Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, welcome to my channel. और आज जो है मैं आपको इसी सीरीज का एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6 इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. अभी तक आपने अगर एक्टिविटी 1-4 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. ऊपर एक या दो वीडियो का रिबन अभी आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. और इस मेरे चैनल पे आपको बाकी सारे वीडियो भी इस यूनिट 1 के मिल जाएंगे. क्लास 6 यूनिट 1 द कलरफुल वर्ल्ड. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक्टिविटी 5 की बात करेंगे. सो एक्टिविटी 5 सेज जस्ट एज ऑल द कलर्स हेल्प टू मेक रेनबो, एवरीवन कैन हेल्प टू मेक स्कूल अ बेटर प्लेस टू लर्न. तो जैसे अभी हमने देखा था वाटर डांस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि सारे कलर्स एक दूसरे का हेल्प करते हैं एंड दे मेक अ गुड रेनबो. तो जब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है. इसी तरह से एवरीवन कैन हेल्प टू मेक अ स्कूल अ बेटर प्लेस टू लर्न. इसलिए इस वजह से अगर हम सब लोग हेल्प करें हमारी स्कूल का, तो हमारा स्कूल भी काफी अच्छा प्लेस बन सकता है फॉर लर्निंग. लुक एट दिस पिक्चर विद अ पार्टनर और ग्रुप. एक पिक्चर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे उसे हमें देखना है विद आवर फ्रेंड्स और विद आवर ग्रुप. Name all the things you can see in the picture. और उस पिक्चर में हमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो हमें वहाँ पे लिखनी है. ठीक है. Think together about the some ways the students in the school could help in the classroom. और कुछ तरीके हमें ऐसे सोचने हैं जिससे सारे फ्रेंड्स हमारे स्कूल में हेल्प कर सकें फॉर दिस क्लासरूम. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें कि नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर. तो हमें सारी पिक्चर्स जो भी पिक्चर में चीज दिख रही है उसके बारे में नेमिंग करना है. ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. फर्स्ट, व्हाट वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, ब्लैकबोर्ड, राइट. सेकंड, डस्टर. थर्ड, टेबल. फोर्थ, चेयर. फिफ्थ, विंडो. सिक्स्थ, नोटिस बोर्ड. सेवन, देर आर सम पेपर्स, कुछ पेपर्स हैं जो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं. एंड एट, वी आर सीइंग सम गार्बेज इज ऑन द फ्लोर, कुछ कचरा जो है थोड़ा सा फ्लोर पे गिरा हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है. और मुझे दिख रहा है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ जो है लाइक स्टिकर्स लगे हुए हैं, कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं. इस तरह की ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं. अगर आपको और कुछ एडिशनल दिख रहा है तो यू कैन नोट डाउन. ठीक है, अब आगे क्या करना है. Use this picture to help write 2 sentences about things you can do to help in your school. 2 sentence हमें लिखने हैं जिससे कि हम अपनी स्कूल को हेल्प कर सकते हैं अगर हमारा क्लासरूम इस तरह का है. तो वो 2 चीजें क्या हो सकती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ. So according to the picture, first one what I can say is we can help our school by keeping our classroom clean. हम अपनी स्कूल की कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर हमारा क्लासरूम इस तरह का है, तो अगर उसे हम क्लीन करें तो इस तरह से दैट वुड बी अ हेल्प टू आवर स्कूल. सेकंड, वी कैन हेल्प आवर स्कूल बाय कीपिंग आवर क्लासरूम्स ऑर्गेनाइज्ड. और हम अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज रख के भी अपनी स्कूल को हेल्प कर सकते हैं, इस तरह से फर्नीचर को डिस्टर्ब ना करें. इन दैट वे वी कैन हेल्प आवर स्कूल. ठीक है, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए. स्टिल यू कैन राइट डिफरेंट वेज विच यू वॉन्ट. अगर आपको और कुछ समझ में आता है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, शेयर योर सेंटेंसेस विथ योर क्लासमेट, लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर क्लासमेट. तो आपके जो आइडियाज है वो आपको क्या करने हैं, शेयर करने हैं. किसके साथ, क्लासमेट के साथ. तो आप अपने शेयर करेंगे और वो जो है उनके जो आइडियाज हैं वो आपको बताएंगे, आपको उन्हें भी सुनना है. विच 3 आइडियाज फ्रॉम अदर क्लासमेट्स डिड यू थिंक वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग. तो ऐसे कौन से 3 आइडिया हैं जो आपके दूसरे क्लासमेट्स ने लिखे हैं और जो आपको अच्छे लगे हैं. तो वो आइडिया 1, आइडिया 2 और आइडिया 3 आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपके क्लासमेट्स ने लिखे हैं. अंडरस्टूड. तो बड़ा ही आसान एक्टिविटी है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है. चलिए मैं आपको आगे का समझा देता हूँ, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो समझा देता हूँ, या इसका जो बाकी का पार्ट है वो भी आपको बता देता हूँ. ठीक है, सो एक्टिविटी 5 हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी हैव एक्टिविटी 6 इन फ्रंट ऑफ अस. सो एक्टिविटी 6 में हमें क्या बोला गया है कि इन अ ग्रुप टॉक टुगेदर अबाउट ऑल द आइडियाज फॉर हेल्पिंग दैट योर क्लासमेट रोट इन द एक्टिविटी अबव. एक ग्रुप आपको बनाना है अपने फ्रेंड्स का और उसके अंदर आपको बात करनी है कि जो सारे आइडियाज आपके फ्रेंड्स ने लिखे हैं आपके साथ में उसके बारे में. यू हैव टू टॉक, चूज 5 आइडियाज दैट एवरीवन इन योर ग्रुप एग्रीज आर इंटरेस्टिंग. और उसके अंदर आपको क्या करना है कि 5 आइडियाज आपको सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, ऐसे 5 आइडियाज जो कि आपके सारे क्लासमेट मानते हैं कि वो सारे इंटरेस्टिंग हैं. ठीक है,
मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा. सो फॉर दिस एक्टिविटी द फर्स्ट आइडिया आवर ग्रुप थिंक व्हिच इज गुड इज लाइक वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक हमें अपने क्लासरूम्स को क्लीन रखना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर एवरीवन. सो गुड हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट. एंड अकॉर्डिंग टू अवर ग्रुप द सेकंड इंटरेस्टिंग आइडिया वी फाउंड आउट इज टू कीप आवर क्लासरूम्स ऑर्गेनाइज्ड. वी शुड कीप आवर क्लासरूम्स ऑर्गेनाइज्ड. To keep your classrooms organized so that like you can easily settle down in the classroom and you can study like, and it also creates a good environment for learning purpose. Third is by not fighting with classmate. Like we should not fight with our classmate or it unnecessarily creates problem for others. It also creates problem for teachers and schools. So we should avoid fighting with our classmates. Then like fourth idea and fifth idea I have kept blank for you. You can like see what your classmate has written and you can if you find them interesting you can write it down. ठीक है तो यहाँ तक हमारा ये एक्टिविटी सिक्स का हाफ पार्ट है. आगे मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट भी इसका कंप्लीट बता देता हूँ. ठीक है नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि मेनी आइडियाज़ आर इंटरेस्टिंग. बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं बट नॉट ऑल आइडियाज़ आर ईजीली डन. बट सारे आइडियाज़ ऐसे नहीं होते जिनको कि ईजीली किया जा सकता है. वर्क विथ योर ग्रुप टू रैंक द फाइव इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट. तो आपको अपने फ्रेंड्स का ग्रुप में एक लिस्ट बनाना है कि कौन से ऐसे फाइव आइडियाज़ हैं विच यू थिंक आर द ईजीएस्ट, जो आपको लगता है कि एकदम ईजी हैं और लाइक ईजी टू डिफिकल्ट. जो फाइव आइडियाज़ आपको सिलेक्ट करना है देन यू हैव टू राइट द ईजीएस्ट. तो उसको वन नंबर पर लिखना है, जो उससे थोड़ा टफ है उसको सेकंड नंबर पर लिखना है, जो और ज़्यादा टफ है उसको थर्ड नंबर पर लिखना है एंड सो ऑन. यू हैव टू राइट देम डाउन. ठीक है तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है. रैंक द ईजीएस्ट आइडिया फर्स्ट, the next easiest second, the most difficult idea to do should be number 5. और इस तरह से हमें क्या करना है कि हमें उसको पूरी sequence में वहाँ पे लिख देना है. ठीक है तो my group ranks these 5 interesting ideas by how easy they are to do like this. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ ideas suggest किए हैं या लिख दिए हैं ऐसा बोल सकते हैं, तो that you can copy और या अपना खुद का भी आप लिख सकते हैं. ठीक है तो first is the cleaning floor is the easiest, seem to be easiest, कि उसको बड़ा आसानी से क्लीन कर सकते हैं. सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग द फर्नीचर इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है. थर्ड इज क्लीनिंग बोर्ड, वो थोड़ा भी डिफिकल्ट हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों की जो है हाइट उतना ऊपर तक नहीं पहुंचती तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है कि वो पूरा बोर्ड अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएंगे. फिर क्लीनिंग विंडो, विंडो क्लीन करना भी टफ है क्योंकि उसके लिए हमें किसी टेबल या चेयर के ऊपर चढ़ के उसे क्लीन करना पड़ेगा. अगेन इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट आई थिंक फॉर किड्स ऑफ ग्रेड 6. एंड क्लीनिंग फैन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, कि क्लासरूम का फैन जो होता है वो काफ़ी हाइट पे होता है तो उसको क्लीन करना लाइक फॉर स्मॉल किड्स इज़ वेरी वेरी टफ राइट. उसके अंदर थोड़ा मतलब हमें टेबल चेयर का सपोर्ट भी लेना पड़ता है, कभी चांसेस है कि कोई क्लीनिंग करते उसमें गिर भी सकता है या कुछ कचरा भी हमारी आँख में गिर सकता है. सो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट फॉर किड्स ऑफ ग्रेड 6. ठीक है तो ये आप आइडियाज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से. एंड इफ यू फाइंड सम अदर आइडिया विच आर इंटरेस्टिंग और विच आर ईजिएस्ट और लाइक यू फाइंड देम राइटिंग इन योर बुक, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, या आपके टीचर अगर कोई आइडिया बताते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है लास्ट में एक क्वेश्चन और हमारे पास है. हाउ कुड योर ग्रुप वर्क टूगेदर टू एक्चुअली डू द ईजिएस्ट आइडिया फॉर हेल्पिंग. तो आपका ग्रुप किस तरह से एक साथ में काम कर सकता है टू डू द ईजिएस्ट आइडिया, तो ईजिएस्ट आइडिया को एक साथ से करने के लिए. तो आपने जो ईजिएस्ट आइडिया लिखा है उसमें आपका ग्रुप किस तरह से वो काम कर सकता है दैट यू हैव टू मेंशन हियर. वहां पे आपको नीचे स्पेस दिया हुआ है थोड़ा सा, उसके अंदर आपको लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स सो हियर वी कंप्लीट आवर एक्टिविटी नंबर 6. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है और अगर समझ गए हैं आप इसे अच्छे से तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस बच्चों को पसंद आ रहे हैं तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की ट्राई करता हूँ. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, देन प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए. ठीक है और कुछ एक्टिविटीज़ की मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको सजेशन में दिख जाएंगे या ऊपर आपको रिबिट में भी दिख जाएंगे. ठीक है I'll complete the full chapter. उसके बाद मैं next chapter के भी videos gradually upload करने वाला हूँ. Okay students, goodbye for now. Have a nice day all of you.